कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर लिव इन रिलेशनशिप के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को संस्कृति के लिए नुकसान बताया है। देवकी नंदन ठाकुर का कहना है कि हम अमेरिका या यूरोप में नहीं, जो बिना शादी लड़के लड़की का एक छत के नीचे रहना स्वीकार करें। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने लिव इन रिलेशनशिप पर बयानबाजी कर नई बहस छेड़ दी है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में देवकी नंदन ठाकुर ने लिव इन रिलेशन सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए हैं। लिविंग रिलेशनशिप क्या ये भारत के लिए जरूरी है? शादी के बाद कोई भी पति दूसरी पत्नी या दूसरी पत्नी जो पति पुरुष के साथ, ये कानून भारत के लिए जरूरी है? दरअसल देवकी नंदन ठाकुर बीते कई दिनों से संसद में संत आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर 50 से 55 साधु संत संसद में जाएंगे तो लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानून नहीं बन पाएंगे। मैं दिल से चाहता हूं और मैं दिल से ये चाहता हूं कि सभी पार्टियां दिल से ये एक्सेप्ट करें कि हम भारत के लोग हैं और भारत की सदन में बिना धर्माचार्यों की, वो भी स्वतंत्र विचारधारा के, जो सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के बारे में और क्या नाम है, बच्चों की आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के बारे में। ये पहली बार नहीं है कि देवकी नंदन ठाकुर लिव इन रिलेशन व्यवस्था के विरोध में उतरे हैं। इससे पहले भी वो इसे सनातन संस्कृति के खिलाफ बता चुके हैं। देवकी नंदन ठाकुर के बयान पर फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बहरहाल लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अक्सर देश में दो राय सामने आती रही है। कुछ लोग अधिकारों का हवाला देकर इस व्यवस्था का समर्थन करते रहे हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि लिव इन सिस्टम से समाज के साथ साथ संस्कृति भी प्रभावित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।